नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए दो मेजर अनाउंसमेंट्स लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग दो नए इनिशिएटिव्स जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो हमारा इनिशिएटिव है वो जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के लिए है, और दूसरा जो इनिशिएटिव है वो हिंदी के लिए है, जो आपकी आर ओ एआर ओ परीक्षा में पूछा जाता है। ये दोनों ही इनिशिएटिव मेनली आपकी यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एआर ओ, इस पर ही केंद्रित हैं, इस पर ही फोकस्ड हैं। इस इनिशिएटिव में देखिए, हम लोग कर क्या रहे हैं कि बेसिकली जितने भी जो 8 से 10 लोक सेवा आयोग आप कह लीजिए विभिन्न राज्यों के, या फिर आपका जो एसएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस इत्यादि, कहीं पर भी अगर कोई भी प्रश्न पूछा गया है जीएस में, उसको हम लोग एक जगह पे कंपाइल करके उसमें से जो भी रिपीटेड या कॉमन प्रश्न है उनको हटा करके और उनमें से सारे ही प्रश्नों को कवर करते हुए, और उसको डेली बेसिस पे आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उसको लेकर के आ रहे होंगे। यह पूरा पाठ्यक्रम, यह पूरा जो हमारा इनिशिएटिव है, ये दरअसल इस धारणा पर बेस्ड है कि हम लोग ये मानते हैं कि आपको किसी भी अगर आयोग में कोई भी प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित तौर पे आपके लिए अतिरिक्त महत्व का वो पोर्शन हो जाता है, वो क्वेश्चन हो जाता है। वो भले ही आप उस आयोग के एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो, फिर भी अगर वो किसी भी आयोग द्वारा पूछा गया है तो निश्चित तौर पे वो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी आधार पे हम लोग इस जो है इसी धारणा के आधार पर हम लोग इस इनिशिएटिव को लेकर आ रहे हैं। और इसमें दरअसल आपके जो जितने भी ये हैं, आप देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न जो हम लोगों ने बनाए हैं आप ये देख सकते हैं, जीएस में हम लोग इसी हिसाब से प्रश्नों को रोज डेली बेसिस पर डिस्कशन करेंगे उसका। और आप अगर ये देखिए कि इसमें जो इसके हमें फायदे अगर आप देखेंगे तो इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो आपको डेली बेसिस पे कई सारे प्रश्नों से आप रूबरू होते रहेंगे, आप जो क्विज या फिर जो टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करते हैं तो वो वाला भी आपका काम यहाँ पर होता रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको एक पूरे पाठ्यक्रम का आइडिया लगता रहेगा। अगर आप ये देखते रहेंगे कि इस आयोग ने अगर ये प्रश्न पूछा है तो मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको कहीं ना कहीं पूरे एक टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपको किसी भी अन्य किसी व्यक्ति या टीचर की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप स्वयं इस आधार पर आप स्वयं जो है कैपेबल होंगे यह पता करने के लिए कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो हमारा दूसरा एक हमारा इनिशिएटिव है हिंदी का, उसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे कि आर ओ एआर ओ में आपके बेसिकली जो प्री परीक्षा में 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपकी प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, ये सभी जितने भी हैं 6 के 6 टॉपिक्स, इन सभी को हम लोग डेली बेसिस पर इनके कुछ कुछ प्रश्नों को हल कर रहे होंगे यहाँ पर, जो कि आपके न केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बल्कि अन्य लोक सेवा आयोगों जैसे कि राजस्थान के बोर्ड के या फिर आपका हरियाणा या उत्तराखंड इत्यादि जगहों के भी जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर उसको हम लोग डेली बेसिस पर कर रहे होंगे। इससे आप देखिए कि हिंदी में ये एक ट्रेंड देखा गया है आर ओ एआर ओ परीक्षा में खास तौर पे कि कई सारे प्रश्न वहाँ पर रिपीटेड होते हैं, जो कि मतलब पहले पूछे गए प्रश्न वही प्रश्न दोबारा भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस लिहाज से हिंदी में तो आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही में अगर जीएस के भी आप प्रश्नों को देखते रहेंगे तो उससे मेरा ये मानना है कि आप लोग एक पूरे पाठ्यक्रम की आपको एक बेहतरीन समझ हो जाएगी कि कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो केवल आप लोग एक ही आयोग तक सीमित नहीं रहेंगे। दूसरी एक बात और भी जुड़ी है इससे कि आप लोगों मतलब ज़्यादातर लोग जो भी होते हैं वो सभी दरअसल किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी ना करके बल्कि एक सामान्य तैयारी वो लोग करते हैं, और जब जो भी एग्ज़ाम देना चाहें वो देते हैं, मतलब एक के साथ वो कई सारे 2-3 एग्ज़ाम्स को साधते हैं, ऐसा ये जनरली एक ट्रेंड देखा गया है। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो ये हमारा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, और इससे आप लोगों का एक प्रश्नों का भी अभ्यास बना रहेगा। इसको आप डेली टेस्ट सीरीज के भी तौर पर ले सकते हैं, जिसमें हम लोग पर डे करीब जो है वो 30 से 35 प्रश्नों को इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए, मेरा उम्मीद है, मेरी आशा है कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आएगा, और कल से ही हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग इन सभी बातों को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।